दोस्तों आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ 99% पुरुषों में सेक्स के दौरान होने वाली समस्या यानी कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन भी कहते हैं। इस समस्या के बारे में बताऊंगा और इसका समाधान भी बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए आपको कोई भी बाहर से चीज परचेज नहीं करनी पड़ेगी, आपके घर पर ही मौजूद एक आयुर्वेदिक तरीकों से। सिर्फ दो बूंदे चाहिए आपको, ये दो बूंदे आपके सेक्स टाइम को काफी टाइम लंबे तक बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे कि आप अपने पार्टनर को बड़ी अच्छी ढंग से सेटिस्फाई कर पाएंगे और आपका जब तक दिल करेगा आप अपने इन हसीन पलों को इंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन का मेन सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पुरुषों के प्राइवेट अंग में बहुत जल्दी सेंसेशन हो जाती है, वो पुरुष बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाते और उनका शीघ्र पतन हो जाता है यानी कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, जिससे कि उनका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता। और खासकर भारत में इसका जिक्र जो है वो महिलाएं करती भी नहीं है, और 90% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरे जीवन में असली सेक्स क्या होता है उसको कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है कि कोई भी औरत खुलकर अपने पति से इस बारे में बात करती नहीं है। तो इस समस्या का समाधान पुरुषों को खुद ही ढूंढना पड़ेगा और खुद ही इसको महसूस करना होगा कि उनका पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 तरीके सिंपल बहुत साधारण बताऊंगा, बहुत पावरफुल रेमेडीज है जो आपकी सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे कि आप बेडरूम में ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो अगर आप भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपकी टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो आज बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए दोस्तों जो सबसे पहली रेमेडी है उसमें आपको जरूरत होती है क्लोव ऑयल की, यानी कि लौंग के तेल की, और साथ में कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल हम उसे कहते हैं जो इस तेल को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देगा, यानी कि इसकी पावर को थोड़ा सा कम या लाइट कर देगा, क्योंकि लौंग का तेल बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी स्किन को जला भी सकता है और हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए हम इसको किसी न किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। कैरियर ऑयल कोई भी हो सकता है, सरसों का तेल भी हो सकता है, पर अगर आप इसके लिए नारियल का तेल लेंगे तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जो लौंग का तेल है उसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं यूजिंदोल, जिसमें लंबे समय तक टिकने की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। और यही हमें करना है, अपने प्राइवेट पार्ट की सेंसिटिविटी जल्दी उत्तेजित ना हो, इसके लिए ये क्लो ऑयल जो है वो काम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सेंसेशन कम होगा तो नेचुरली ही आपका टाइम अपने आप बढ़ने लगेगा। इस मिक्सर को बनाने के लिए आपको 2 या 3 बूंदे ज़्यादा से ज़्यादा क्लोव ऑयल की चाहिए। इसको आपने कम से कम 2 चम्मच नारियल के तेल में मिलाना है, या आप जैतून का तेल या सरसों का तेल भी ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। लौंग का तेल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए आपको हमेशा किसी दूसरे तेल के साथ ही इसको मिक्स करके यूज़ करना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसे हम कैरियर ऑयल के तौर पर जानते हैं। जब आप ये 2-3 बूंदें इस किसी भी ऑयल में मिला लें तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सर को अपने सेक्सुअल एक्टिविटी से 15 या 20 मिनट पहले आपने अपने प्राइवेट पार्ट पर इसको लगाना है, पर उससे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि ये आपकी स्किन के लिए कहीं हार्मफुल नहीं है। तो आप किसी भी अपनी सेंसिटिव जगह पर, वो जगह आपके कान के नीचे भी हो सकती है या आप अपने हाथों की कलाइयों के ऊपर भी, इस ऑयल को अप्लाई करके देख लें और कुछ घंटे इसका इंतज़ार करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तभी आप अपने प्राइवेट पार्ट पर इसका इस्तेमाल करें। 10-15 मिनट पहले जब आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट पर इसको लगाकर 10-15 मिनट रहने दें, फिर उसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें, तब आप अपने
रोमांटिक पलों को एंजॉय कर सकते हैं। ये 100% आपकी सेंसेशन को कम करेगा, तो नेचुरली आपका जो है टाइमिंग जो है वो बढ़ेगी। तो चलिए अब आपको दूसरी रेमेडी के बारे में भी बता देता हूँ, वो है एलोवेरा जेल, जो कि अक्सर स्किन के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं। एलोवेरा जेल जो है वो नेचुरल सूदिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। ये जेल स्किन को हाइड्रेट करता है तथा इसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग हमें फील कराता है। इसी के साथ ही एलोवेरा जेल का यूज़ इस्तेमाल अपने जेनिटल एरिया में सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी उत्तेजना को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसके लिए आप कोई भी बाजार से जेल ले सकते हैं, पर उसमें आप देख लीजिए कि वो प्योर जेल होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपके घर पर कोई एलोवेरा का पौधा है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया रहेगा। पर अगर आप घर वाले एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जहाँ से इसको हम तोड़ते हैं, इसकी जड़ वाली साइड पर, वहाँ पर एक पीला पदार्थ होता है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, उसको आप जरूर निकाल लीजिए। उसके लिए आप उसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से रख दीजिए। 15-20 मिनट रखने के बाद वो विषैला पदार्थ जो है वो अपने आप निकल जाएगा। अब इसके बाद आप इसमें से जेल निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहली रेमेडी में करा था, इसकी भी जेल को निकालकर आपको अपने पार्टनर के पास जाने से पहले 15-20 मिनट पहले आपने अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाना है और थोड़ी देर बाद इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि इसको साफ करना बहुत आवश्यक है। इसको भी इस्तेमाल करने से पहले आप किसी और अपनी सेंसिटिव स्किन पर लगाकर थोड़ी देर इसका टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं आपको ये किसी प्रकार की समस्या या एलर्जी तो नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों, जो तीसरी रेमेडी है वो है दोस्तों पिपलमेंट ऑयल। जी हाँ, पिपलमेंट ऑयल भी आपकी टाइमिंग बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि पिपलमेंट ऑयल में मौजूद मेंथोल आपको एक कूलिंग सेंसेशन देता है तथा ये एंटीबैक्टीरियल और सूदिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी आप इसका इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट पर कर सकते हैं। इसको भी हमने किसी ना किसी कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर लेना है, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी आपके सेक्सुअल पार्ट की सेंसिटिविटी को कम करता है, जिससे कि आपको अपने सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी और आप बहुत जल्दी एक्साइट नहीं होंगे। और जल्दी एक्साइट नहीं होंगे तो आप अपनी मर्जी के दौरान जब तक चाहें आप अपने उन हसीन पलों को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तीनों रेमेडी जो भी आपको आसान लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आपको 100% फायदा देगा। वैसे तो इस काम के लिए बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, पर उनमें से कुछ काम करते हैं और कुछ कई साइड इफेक्ट भी होते हैं जो हमारी भविष्य में हमारी तनाव को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होते हैं तो वो हमारी सेंसिटिविटी को ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में कुछ सालों बाद आपकी सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो आपका प्राइवेट पार्ट जो है उसमें तनाव भी कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप उन प्रोडक्ट्स का जो है इस्तेमाल ना करें। तो अगर आपको इस में से किसी भी रेमेडी का फायदा मिले तो इस वीडियो को और लोगों तक भी आप जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।